देखो सबसे बढ़िया चीज इसमें क्या है, जैसे संसार में जब ज्यादा दुखी कभी हो जाते हैं ना, हम फिर किसी ज्योतिष को पास में जाते हैं, बोले भैया तो देखो ये दुख कष्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, एक बात में एक दुख, एक बात में एक दुख आती जाती है, भैया देख लो तो क्या ज्योतिष में तुम्हें तुम्हारी दुख दूर कर देगा, बल्कि बोलेगा ये पत्थर पहनो, ये पत्थर पहनो, ये पत्थर पहनो, ये 10,000-5,000 पैसे उल्टा उल्टा बोल के वो दूर नहीं कर सकता है ना। लेकिन जब आप ताली बजाओगे ना, भगवान का एक नाम ईश्वर है, ईश्वर का मतलब डेफिनेशन बताया अकर्तुम कर्तुम जह सत्यते, मतलब है को नहीं है, है को जो नहीं, नहीं को जो है कर सकते, ये भगवान ही। अगर भगवान की कीर्तन में ताली बजाओगे ना, हम ताली कब बजाते हैं बताओ, किसकी स्वागत है, कहते ना भैया ताली बजा कर किन को स्वागत करो, कहते ना, लेकिन यहाँ जो ताली बजा रहे हो किसकी स्वागत है बताओ, किसकी स्वागत में यहाँ ताली बजा रहे हो, ठाकुर जी के स्वागत में, भगवान की कीर्तन में, भागवत के स्वागत में। अगर आप ताली बजाओगे ना, अगर भाग्य रेखा कहीं इधर उधर थोड़ा होगा, अब मेरे तरफ में देख लो, माताओं के लिए ना ये उल्टा हाथ की ये जो रेखा है इसको भाग्य रेखा होता है, आप स्वयं देख सकते हो, ये रेखा जिसको जितना है अब हर तरह से फलते फूलते रहोगे, ये रेखा जितने बढ़िया होगा, और भाई लोगों के लिए ये रेखा है इसको भाग्य रेखा कहता है, आप स्वयं देख सकते हो अपना हाथ को, सारे निर्भर इसी रेखा के ऊपर करता है, ये ज्योतिष ने बताया ये रेखा अगर लास्ट रेखा को पार करता है समझना बढ़िया, अगर उसमें त्रिकोण आ जाए मतलब त्रिशूल आ जाए तुम्हारे त्रिभुवन जय जयकार होगा उसमें बताया गया। आप ताली बजाने से पहले देख लो और ताली बजाने का बाद में देखना, आपको भाग्य रेखा बदल जाएगी, आपको विश्वास होता है, आप विश्वास करते हो, इसलिए भगवान के कीर्तन को जो जितने ताली बजाएंगे ना तुम्हारी भाग्य रेखा बदल जाएगा। और साइंटिस्ट लोग कहते हैं शरीर का जितने नस हाथ पैर में जुड़ा हुआ है, हाथ पैर में जुड़ा हुआ है, आप जितने जोर से ताली बजाओगे तो उतना ब्रेनी बनता है, आपके सारे नस खुल जाएंगे ब्रेन की, आप बड़े इंटेलिजेंट बनोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित्र मानस में कहते हैं हम ताली क्यों बजाते हैं, उन्होंने अच्छी बात बताई, जैसे आंगन में गेहूं और दाल सुखाने के लिए दिया, कोई चिड़िया चुग रहा है उसको भगाने के लिए क्या करते हैं, ताली बजाते हैं, वो चिड़िया उड़ जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं जब हम भजन करते हैं कभी कभी पाप रूपी चिड़िया आकर के हमारे शरीर पर बैठ जाता है, लेकिन जब ताली बजाओगे ना वो पाप रूपी चिड़िया ही उड़ जाएगी, उसमें बहुत सारी कारण बताया, इसलिए जोर जोर से ताली बजाओ, ठीक है, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे जय गोपाल जय जय गोविंद Thank you.
हाथ फिर बदले हुए। हरे कृष्ण। इसलिए यहाँ पर शंकर जी कहते पार्वती ये कथा में कौन आ सकते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होई पाप देही संगत से। एक बड़ा उदाहरण देते सुंदर, जैसे आपने अपना घर में व्रत है बना रहे, नहीं तो अपना शादी करवा रहे, शादी हो रही, बताओ उसमें कौन आएगा? अब जिसको पास में निमंत्रण कर दो वही आएगा ना। जैसे घर को पास में 9 इंची की एक दीवाल है केवल, अगर घर को पास में अगर आप निमंत्रण कार्ड नहीं दोगे ना वो नहीं आएगा। लेकिन भले ही कोई 1000 किलोमीटर दूर में हो, 5000 किलोमीटर कोई विदेश में हो, अगर आप उसको निमंत्रण कार्ड दिए होगे फिर वही शादी में बच्चे का बर्थडे में वही आएगा। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये कथा में कौन आ गए, कौन कथा में आते हैं, सभी नहीं आएगी। बोले कौन आएगी, बोले भगवान की दो तरह का कृपा है, एक कृपा तो डायरेक्ट कृपा और एक घुमा फिरा कर कृपा है। शंकर जी कहते पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर जी डायरेक्ट कृपा करते हैं ना, वही व्यक्ति ही पाप देही असंगत सोई, वही व्यक्ति ही कथा में आ सकते हैं जिसको ठाकुर जी बुलाए। हम आगे सुनेंगे जब कृष्ण बंसी बजाते को नीचे खड़े होकर बंसी बजाए, इसलिए कहते बंसी ध्वनि दो तरह का बताए, एक तो सर्वभूत मनोहर और एक गोपीभूत मनोहर। कृष्ण कभी कभी ऐसे बंसी बजाते हैं जो बंसी ध्वनि सब कोई सुन सकते हैं, लेकिन कृष्ण कभी कभी ऐसे बंसी बजाते हैं सब नहीं सुन सकते हैं, जिस बंसी ध्वनि केवल गोपियां ही सुन सकती हैं और कोई नहीं सुन सकते हैं। इसलिए कृष्ण बंसी बजाते नीचे जब बंसी बजाए ब्रज के सभी नहीं आए, कौन आए, केवल ब्रज की गोपियां ही वहां पर आई है। शंकर जी यहाँ कहते हैं कृष्ण तो ये भागवत कथा रूपी बंसुरी बजाए, ये भागवत कथा रूपी कृष्ण तो बंसुरी बजाए, लेकिन ये कौन कौन यहाँ पर आए, कौन कौन गोपियां आई है, ये बंसुरी की आवाज जिनके कान में बड़ी है। कृष्णा जिसी को ये कथा में बुलाना चाह रहे थे ना, केवल वही वही व्यक्ति ही कथा में आए हो, सब नहीं आ पाई। शंकर जी स्वयं कहते हैं बोले अति हरि कृपा जा पर होई पार्वती, थोड़ी मोड़ी कृपा नहीं विशेष कृपा जिसको होई पाप देही या संकत सोई, तभी जीवन में ये भागवत कथा कोई सुन सकते हैं, हाँ तभी ये कथा को कोई सुन सकते हैं। इसलिए समझो आज हम लोग गोबर में ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, विशेष कृपा है, जो कि हम सबके सब यहाँ पर श्री भागवत कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए। अभी यहाँ प्रश्न होता है, अभी हम लोग सात सात दिन तक कथा सुने थे ना, अभी प्रश्न है भैया यहाँ पर दो दो तीन तीन घंटा हमना अपना बहुमूल्य समय तो हम क्यों दे, अगर यही समय को किसी बिजनेस में देते तो कुछ तो माल मिलता, कुछ पैसा पैसा तो मिलता। यहाँ पर थकड़ का दो दो घंटा और तीन तीन घंटा यहाँ बैठ करके अपना समय को हम बर्बाद क्यों करेंगे, अपना समय को क्यों नष्ट करेंगे। इसलिए भागवत में ये राधा रानी खुद कहती है, कहती भागवत कथा में तुमने जितने लाभ मिलेगा ना, दुनिया में कोई भी बिजनेस में तुम्हारी इतना फायदा नहीं हो सकता। जैसे कोई आप बिजनेस करो कोई गारंटी है आपको लाभ हो, उसमें नुकसान भी तो हो सकती है, लेकिन ये भागवत कथा में ना अभी तक उसको नुकसान हुई नहीं है। नारद जी का नुकसान हुई है, हनुमान जी का नुकसान हुई है, प्रहलाद का नुकसान हुई है, मीरा की कोई नुकसान हुई है, तुलसीदास का नुकसान हुआ है, ब्रह्मा जी की हुआ है, शंकर जी की हुआ है, प्रहलाद का हुआ, किसका नुकसान हुई है। इसलिए मीरा कहती है दीन दीन बड़ा सवाय पायो जी नहीं राम सक्सेसफुल। लेकिन हम क्या चाहते हैं ना, हम तो बेटी को बॉलीवुड में ना हीरो हीरोइन बनाएंगे, हम कहते हैं बॉलीवुड में बच्चों को हम तो हीरो हीरोइन बनाएंगे। भले भैया 20-25 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे अभी दुनिया में उसका नाम कोई ले रहे हैं अभी तक, बताओ कौन हीरो का नाम अभी लेते हैं जो 20 साल पहले थे, 25 साल पहले कोई हीरो हीरोइन का नाम है किया जाए तो नहीं। बोले भैया प्रेजेंट का बात बताओ ना, पहला का बात छोड़ दो, लेकिन हनुमान जी कब आए, अयोध्या जी में करोड़ साल पहले आए, प्रहलाद कब आए करोड़ साल पहले आए, वाल्मीकि कब आए करोड़ साल पहले आए, मीरा कब आई है
तुलसीदास जी कब आए हैं? देखो उनका नाम अमर हो गया ना, इनका तो नाम अमर हो गया। कौन हीरो इनका नाम लेते हैं? अभी 20 साल पहले कहते भैया कथा में जितने लाभ होगा ना तुम्हारी दुनिया में, और कोई ऐसे बिजनेस नहीं है जिसमें इससे ज्यादा लाभ तुम्हें हो सके।